R.R. Carbell presents CNBC Awaaz Real Estate Awards 14 Years of Excellence. Piyush sir, thank you so much. आपने इतना समय निकाला और आपको एक और मीटिंग में जाना है और मुझे पता है कि ट्रैफिक रेगुलरली चेक कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुंबई एक ऐसी सिटी है कि चाहे जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए वो कम ही लगता है. ये लगता है कि शायद और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो अच्छा, वहाँ पे अच्छा रहेगा. अच्छा सर, आज आप एक उससे पहले फिनटेक इवेंट में भी थे, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस और अगर कुछ वहाँ के बारे में बताना चाहेंगे तो? उसके पहले मैं जरूर आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा प्रोग्राम को एडवांस करना पड़ा, क्योंकि एक अभी चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में. बिल्डर लोग तो सबसे पहले देखते हैं चुनाव कब आ रहे हैं, और चुनाव की हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक आ गई है तो उसके लिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, तो मैं बीच में जाऊंगा. पर आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस आई कॉज टू माई फ्रेंड्स इन CNBC टू एंड ऑल माई फ्रेंड्स सिटिंग हियर. थोड़ा दो करेक्शंस कर लूँ. आपने कहा मेरी तार जुड़ी हुई है मुंबई से, मेरा दिल जुड़ा हुआ है मुंबई से, जरा वो स्पष्टता हो जाए. आपने जिक्र किया अबाउट कि मैं 10 साल से यहाँ नहीं आया हूँ. थोड़ी स्पष्टता कर दूँ, 10 साल से मुझे बुलाया नहीं है, बुलाया तो आ गया. और या तो शायद बिल्डर कम्युनिटी नहीं सोचती होगी मुझे उस लायक कि मैं उनके प्रोग्राम में आके अवार्ड दूँ, परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, वो वास्तव में देश सेवा से कम नहीं है. You should all be very proud of your work. आप एक आशियाना देते हैं, एक व्यक्ति को घर देते हैं, एक व्यक्ति को काम करने का स्थान देते हैं. और जरूर हर सेक्टर में, कोई रियल एस्टेट अलग नहीं है, हर सेक्टर में there will be some black sheep. कुछ लोग गलत काम करते हैं, मुझे लगता है हमने उसके ऊपर अब ध्यान नहीं देना चाहिए. पहले एक जमाना था जब वो नॉर्म था, अब वो एक्सेप्शन बन गया है और रेरा का उसमें बड़ा योगदान है. बिल्कुल. थोड़ा बहुत जो पिछले 8-10 सालों में कठोर कदम उठाए गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सरकार द्वारा, उसके कारण भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आया इस सेक्टर में. मुझे लगता है कई वो लोग जो गलत काम करते थे अब शायद इतिहास के पन्नों में चले गए हैं. ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट अब प्राथमिकता ले रहे हैं और मैं बधाई दूंगा CNBC को भी, RR केबल को भी. और इनका और हमारा पारिवारिक संबंध तो शायद 40-50 साल का है. मुझे जब से पैदा हुआ हूँ तब से गोपाल काबरा जी को मैंने घर पे देखा है, धोती कुर्ता में, अपना गांधीयन स्टाइल से, पुराने ईमानदार व्यापार करने के लिए ओत प्रोत. और आपका जो चैनल जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, और कल तो हम देख रहे थे आपके और बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं आगे के लिए भी, तो मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा, आप सभी मित्रों को भी शुभकामनाएं दूंगा. और अवार्ड्स एक प्रकार से प्रोत्साहन है, जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन है, जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए भी आगे के लिए उत्सुकता रहती है कि अगली बार हमें भी अवार्ड मिले. तो एक प्रकार से अवार्ड का बड़ा महत्व रहता है और आप उसको 16-17 साल से जागृत रख रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आपका साधुवाद भी करता हूं. पीयूष सर, जो आपने बात कही उसका एक एग्जांपल देता हूं. पिछले 3 साल में जिस सेक्टर ने स्टॉक मार्केट में भी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया वो रियल एस्टेट सेक्टर है और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सेक्टर है. सही बात है. और वास्तव में इनका परफॉर्मेंस भी कई पिछले 4-5 वर्षों का देखे तो तेजी से अच्छी कंपनियां आगे जा रही है, जो गड़बड़ करते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइज वे में सेक्टर भी ग्रो करे, आप लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को भी मौका दें, उनको भी प्रोत्साहित करें. बिल्कुल. आई डोंट नो आपके अवार्ड्स में स्टार्टअप्स के लिए, नई टेक्नोलॉजीज के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई अगर विशेष कैटेगरी नहीं हो तो जरूर दीजिएगा, हम इंट्रोड्यूस करेंगे. नहीं, हाँ, अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा इनफैक्ट कई बार अवार्ड्स में एक दो विशेष ऑब्जर्वेशंस रहती हैं कुछ मात्रा में. आज का मैं अपने लोगों को देख रहा था तो मुझे पहली ऑब्जर्वेशन तो आज दिक्कत नहीं दिख रही है. कई बार अवार्ड फंक्शन में बड़े जूनियर लोग आ जाते हैं,
और उससे अवार्ड की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जूनियर लोग से मुझे आपत्ति नहीं है, पर अवार्ड एक प्रकार से आपकी कंपनी के लिए एक इज्जत है। और जब कोई सीनियर व्यक्ति आते हैं, अगर रुनवाल आया हुआ है या ओरी जी आए हुए हैं, तो सीनियर आप आए हुए हैं, तो सीनियर लोग एक प्रकार से अपने पूरे कंपनी को फिर जाके प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल, देखो आप सबके काम की वजह से आज हमारी कंपनी की इज्जत हुई। तो एक तो हमने ऑलवेज अवार्ड में ये देखना चाहिए कि उचित स्तर पे लोग आके अवार्ड भी रिसीव कर रहे हैं, उससे कंपनी को भी लाभ है, अवार्ड की भी एक विशेषता बनी रहती है, उसका इज्जत बनी रहती है। दूसरा एक मेरा ऑब्जर्वेशन कई अवार्ड्स में रहता है, जस्ट फूड फॉर थॉट, कि कुछ कंपनियां इंट्रिंसिकली बहुत बड़ी होती हैं, बहुत सक्सेसफुल होती हैं, और हर वर्ष वही कंपनी को अवार्ड मिलते रहते हैं, वही व्यक्ति को अवार्ड मिलते रहते हैं। तो मैं उनके अवार्ड से छीनना नहीं चाहता हूं कि वो लोग ही मेरे से नाराज हो जाए, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए सेक्टर्स, उभरती हुई कंपनियां, नए लोगों को भी जरूर हमने प्रोत्साहित करने की एक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये दो मेरे छोटे से ऑब्जर्वेशन है। आपका प्रश्न था फिनटेक के प्रोग्राम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्ष में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया है, वो ना तो सिर्फ अद्भुत है पर एक पूरे दुनिया के सामने मिसाल है। आप याद करिए 28 अगस्त 2014, दो दिन पहले 10 वर्ष पूरे हुए, एक दशक हुए, जनधन योजना का लॉन्च हुआ था। बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, युवराज ने भी बड़ा मजाक उड़ाया था और उनके सहयोगियों ने, कि क्या बात कर रहे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हर घर में एक अकाउंट होगा और बैंकिंग इंक्लूजन से लोगों का भविष्य बदलेंगे, और एक प्रकार से एक डिसबिलीफ था मोदी जी ये प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं, उस पर भी थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और बैंकों के ऊपर भी एक संदेह उठाया गया कि इसको करेंगे कि नहीं। मैं आज जब देखता हूं, पहले ही 4 महीने में, 125 दिन में, जनवरी पहले हफ्ते तक देश में 13 करोड़ अकाउंट खुले थे, 13 करोड़, और हर घर में, हर परिवार में कम से कम एक अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी हमारे बैंकर्स ने ली थी। पीएसयू बैंक्स हो, कई निजी प्राइवेट बैंक्स भी जुड़े थे, लगभग हर घर में एक बैंक अकाउंट, और कई जगह शायद 60-70% महिलाओं के बैंक अकाउंट, और वो 13 करोड़ बैंक अकाउंट से शुरू हुई हुई गाथा आज 10 साल बाद 53 करोड़ जनधन अकाउंट इस देश में, लगभग 35 लाख करोड़ से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खाते में पैसा पहुंचा, जिससे आज बिना चोरी, बिना बिचौलिए, बिना भ्रष्टाचार, सरकारी खजाने में जो आप सब टैक्स पे करते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है। टैक्स पे करने से ज्यादा नाराजगी तब होती है जब एक प्रधानमंत्री बोलता है मैं 100 रुपए खर्चता हूं, 15 रुपए गरीबों तक पहुंचते हैं, 85 रुपए तो दोस्त यार बिचौलिए खा जाते हैं, उससे ज्यादा नाराजगी होती है या टैक्स देने से नाराजगी होती है। और मैं मानता हूं कि आज एक एक टैक्स पेयर को ये एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरे टैक्स के पैसे से हर गरीब के घर में बिजली पहुंचती है। बिल्कुल, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलते हैं हर महीने, जिससे आज कोई बच्चा भूखा नहीं सोता है। एक हर टैक्स पेयर को सेटिस्फैक्शन है कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में मेरे कारण, आपके कारण मुफ्त में घर मिला, और आगे चल के ऑलरेडी कैबिनेट ने 3 करोड़ और घर के लिए मंजूरी दे दी है। बिल्कुल सर, तो ये जो इस देश में कल्पना के बाहर काम हुआ, और उसी में आपके क्षेत्र में भी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होना, स्टैंप ऑफिस डिजिटलाइज होना हो, हमारी कोशिश रही है भ्रष्टाचार कम करना, आप चाहें तो काबरा जी का भी जवाब दे सकता हूं जो प्रश्न उन्होंने उठाया था। लेकिन एक प्रकार से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि फिनटेक रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करने में आप सबका भी बड़ा योगदान है।
आप सबको सलाम, आप सबका साधुवाद। ओके, अच्छा गोयल सर, आप काफी हार्ड नेगोशिएटर हैं। अभी रिसेंटली आपने कहा था कि कोई अगर कंट्री मुझसे पूछती है कि एफटीए के लिए अगर मैं आना चाहूं तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास $30 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है? वो दीवार का डायलॉग आप बोलते हैं उनको। और जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली आया था, मुझे याद है एक नेगोशिएशन चल रहा था, काफी 3-4 घंटे तक आप उस मीटिंग में थे और काफी हार्ड नेगोशिएशन चल रही थी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे, अभी इस समय क्या चल रहा है इसमें? मित्रों, पहले एक जमाना था जब भारत बड़े कमजोर स्थिति से विश्व के सामने पेश आता था। हमारी नेगोशिएशंस में कभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता था जितना आज के दिन होता है। आज कोई एफटीए होता है तो मैं स्वयं और कई बार तो ग्रैंड हायट या सोफिटेल ट्राइडेंट में इस क्षेत्र में भी हम मीटिंग्स रखते थे, क्योंकि ये सेंटर है मुंबई का। ये बात अलग है कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दक्षिण मुंबई से बांद्रा बीकेसी एपी सेंटर बना मुंबई का। अब मैंने तय कर लिया कि अब उत्तर मुंबई बनेगा मुंबई का सेंटर। पहले के जमाने की जो कमजोर नेगोशिएशंस थी उसके सामने आज जब भारत किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस जो पहले कभी नहीं देखा गया, और आप सबके गाइडेंस से वी इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स के आप क्या चाहते हैं, आपके ऑफेंसिव इंटरेस्ट क्या है उस देश के साथ, आपके डिफेंसिव इश्यूज क्या है जिसपे मुझे संभलना है, किन चीजों में हम फायदा ले सकते हैं। कई बार इम्बैलेंस होता है, तो अभी परसों की बात है, एक देश के विदेश और वाणिज्य मंत्री मेरे पास आए थे, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ भारत के साथ नेगोशिएट करें, एफटीए करें। ये उसी दिन मैंने परसों ही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग के तुरंत बाद। अब उस देश की जनसंख्या शायद 2 करोड़ है, उसकी जीडीपी शायद $400 बिलियन है, हमारी आज की जीडीपी लगभग 10 गुना $4 ट्रिलियन है। वो देश 0.2% पे ग्रो कर रहा है, हम सिर्फ 8% पे ग्रो कर रहे हैं। राजीव जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन नीति आयोग, ये दोनों के बीच फर्क है। मैंने उनको ईमानदारी से कहा, मैंने कहा साहब आप, मैं तो आगे की सोचता हूँ, एफटीए क्या है, वी आर क्रिस्टल गेजिंग इन अ बॉल इनटू द फ्यूचर, 25-30-50 साल आगे का सोचना पड़ता। तो मैं कहा आज से 30 साल बाद मैं तो $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होऊंगा, 2047 तक हमारा टारगेट है 32-35 ट्रिलियन। रिसेंटली केवी सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम पूर्व सीए, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि थोड़ा 1-8% ज्यादा ग्रो कर ले तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, और आप सब कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जानते हैं, उसका लाभ जानते हैं, नहीं तो अनुज पुरी आपको कंसल्टेंसी दे देंगे उसके ऊपर। पर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 1% ग्रोथ ज्यादा होने का ये होगा कि हम 50 ट्रिलियन से ज्यादा भारत की इकोनॉमी देख सकते। तो मैंने कहा मेरा तो डेल्टा ऑफ अपॉर्चुनिटी भारत में 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन है, वो $30 ट्रिलियन बढ़ेगी। आपकी इकोनॉमी आप कितना भी ग्रो कर ले 1 ट्रिलियन में नहीं पहुंचेगी, तो आप बताइए मैं कैसे दोनों के बीच में संतुलन लाऊं? हाउ डू आई गेट अ फेयर बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जब आपके पास वो सोल्यूशन आ जाए तो हम बातचीत शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल, और एफटीए बना सकते हैं। तो ये भारत का सामर्थ्य, आप सबकी ताकत है, ये मोदी जी ने देश की माइंडसेट को चेंज किया। बिल्कुल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मिनिस्टर। पीएलआई स्कीम पीयूष जी बहुत बड़ी सक्सेस रही है इस देश में, पीएम मोदी का विजन रहा है, आपका भी काफी इसमें सपोर्ट रहा है, और आपको हैरानी हुई इस पीएलआई स्कीम की सक्सेस से या फिर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, और आगे और कौन कौन से सेक्टर्स में हम पीएलआई? नहीं, बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, आत्मविश्वास पक्का था, नीति आयोग का बड़ा योगदान था, हमारी एक स्केल कमेटी थी, पवन गोयनका उसको हेड करते थे, स्केल कमेटी ने सेक्टोरली चेक किया था कि किस किस सेक्टर में कॉस्ट डिसेबिलिटीज को अगर हमने ब्रिज किया तो ग्लोबल कैपेसिटीज हम भारत में बना सकेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लेवरेज करके भारत की रिक्वायरमेंट्स और विश्व की रिक्वायरमेंट्स दोनों मीट कर पाएंगे। और उसके बाद नीति आयोग ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया और पीएलआई स्कीम्स के तहत 1,97,000 करोड़ अलग अलग सेक्टर्स जो हमने ग्लोबल चैंपियंस बनाने थे
वो सेक्टर्स को पीएलआई दिया, फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, कोविड की लर्निंग्स थी कि सेमीकंडक्टर में तकलीफ आ सकती है, तो 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, और इस सबका अद्भुत लाभ हुआ है भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बल देने में। मैंने तो कई इस पे मीटिंग स्वयं की है, सेक्टोरली भी, और करीब इलेक्शन के एक दो महीने पहले सभी, जो शायद हर एक 14 सेक्टर के हर एक बेनिफिशियरी को बुलाया था। पीएलआई के अलग अलग सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किए। एक सेक्टर का जिक्र करके इस बात को विराम देता हूं, एयर कंडीशनर्स। पहले भारत में लगभग सब एयर कंडीशनर्स या तो विदेश से आते थे या छोटा मोटा असेंबली होते थे। भारत में बनने वाले एसीज तो जहां तक मुझे याद है वोल्टास जो छोटा मोटा बनाता होगा, बाकी असेंबल्ड एसीज बनते थे। हमारे पास दो चॉइस थे कि हम पीएलआई एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स को दें या कंपोनेंट्स को दें। मैन्युफैक्चरर्स को देते तो फिर कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते और यहाँ असेंबली करके बेचते। उसके बदले पूरा जो पीएलआई है, एलईडी बल्ब्स और एयर कंडीशनर्स, दो सेक्टर्स जो मेरे विभाग पर नीचे थे, पूरा हमने कंपोनेंट्स के लिए दिया। और आपको जान के खुशी होगी, मेरा लॉजिक था कंपोनेंट में जो मैं बेनिफिट दे रहा हूँ वो एग्रीगेट होके असेंबल प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो अब देश में नौकरियां बनी इन कंपोनेंट्स फॉर एसीज एंड एलईडी लाइट्स, इन असेंबली ऑफ एसीज एंड एलईडी लाइट्स, जहां लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 25% था एसी में, ऑलरेडी 50% हो गया, अगले 1.5 साल में 70% हो जाएगा, और जो हमने सोचा था कि 5 साल में 80% होगा, वो आज से 3 साल बाद 80% क्रॉस कर जाए। आखिरी सवाल, सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी और मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे, जो इंडिया सिंगापुर प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप है, हाउ विल दैट हेल्प इंडिया बिकम आत्मनिर्भर? देखिए, सिंगापुर भारत के लिए कोई थ्रेट नहीं है, वहां कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं है, वहां का पर कैपिटा इनकम $85,000 है, $85,000। दे कैन नेवर कम्पीट इन द गुड्स विच वी मैन्युफैक्चर। वहां से अगर कुछ आएगा तो बड़ा हाई वैल्यू हाई क्वालिटी गुड्स आएंगे जो भारत को चाहिए, जो अगर हमें एक हाई क्वालिटी नेशन बनना है, कोई मशीनरी आएगी, कोई बड़े महंगे केमिकल्स आएंगे, कोई एडिटिव्स आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी, परंतु उनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है। आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी सिंगापुर से आ रहा हूं, 2 दिन पहले मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग डिटेल्स निकाली, $155 बिलियन, लगभग 20% भारत में जो एफडीआई आया है पिछले 20-25 सालों में, वो सिंगापुर से आए हैं या दूसरे देशों का सिंगापुर के माध्यम से आया, क्योंकि काफी देश वहां फंड्स सेटअप करते हैं, उनका एक इकोसिस्टम बढ़िया है। अब हमारा भी इकोसिस्टम वर्ल्ड क्लास बन रहा है गिफ्ट सिटी आने के बाद, और सेबी, आरबीआई वगैरह, दे आर नाउ वर्ल्ड रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटर्स। तो भारत भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर को हम कई चीजें ऑफर कर सकते हैं, सिंगापुर हमें कई चीजें दे सकते हैं, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी जाने वाले हैं सिंगापुर, अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी। मैं भी लगभग, हमारी मिनिस्टरियल मीटिंग तो दिन भर चली वहां के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, 6 मंत्री वहां के थे, हम 4 मंत्री थे भारत के, लेकिन इसके अलावा मैंने कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ राउंड टेबल्स भी करे, ब्रेकफास्ट मीटिंग, लंच मीटिंग, डिनर मीटिंग एंड अ सेकेंड डिनर मीटिंग, बहुत सारी एंगेजमेंट्स की, वन ऑन वन किए। आई मस्ट हैव मेट 50-60 इन्वेस्टर्स इन द 36 or 40 hours आई वाज देयर, बट द इन्वेस्टमेंट एपेटाइट, द एक्साइटमेंट टू वर्क विद इंडिया इज ट्रिमेंडस। एंड मैं आप सबको भी कहूंगा, बहुत कुछ सीखने को है, उनकी मास्टर प्लानिंग, उनकी टेक्नोलॉजीज। मैं जैसे एक विचार आप सबके समक्ष छोड़ना चाहता हूं, अगर आप मुझे हेल्प करें स्टडी करना, शहरों में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण आपकी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, सीमेंट मिक्सिंग। आप बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ एक, आप सब ये बात जानते हैं, अगर हम कम से कम शहरों में अगर हम प्रीकास्ट
स्टील स्ट्रक्चर और प्रीकास्ट स्लैब्स को इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाते हैं, तो जो बिल्डिंग 3-4 साल में बमन ईरानी बनाते हैं वो शायद 1.5 साल में बन सकती है. कंस्ट्रक्शन विल बिकम मच फास्टर एंड लेस पोल्यूटिंग. जरूर थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन ओवरऑल टाइम बचेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपका बचेगा. मे बी अनुजपुरी और DLF से ओरी और सुबोध, सम ऑफ यू कुड वर्क आउट एंड हेल्प अस कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या नेट नेट फायदा नुकसान है इसका. और मैं चाहता हूं अगर हम सहमति से, सरकार कुछ आप पे थोपना नहीं चाहती, पर अगर हम मिलके ऐसे निर्णय ले सके जो देशहित में हो, शहर के रहने वालों के हित में हो और जिससे आपको भी लॉन्ग टर्म में लाभ हो. आपका रोटेशन ऑफ मनी फास्टर होगा, आपका ग्रोथ फास्टर होगा. और जो इन्होंने कहा आपकी मार्केट कैप तो बढ़ी रही है पिछले 4-5 साल में, वो और फास्टर ग्रो करेगी. आई डोंट थिंक बमन जी बुरा मानेंगे वैसे बिल्कुल भी. और यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं सब पॉजिटिव फीडबैक ही लेंगे सर आपकी बात से. तो आप विचार करिए इस पे, अगर ऐसी कुछ चीजों से हम, या स्लम रीडेवलपमेंट या पुरानी बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट में आप सबका सहयोग मिले, हम कुछ स्मॉलर ग्रुप्स में आप भी इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, राउंड टेबल करके कुछ आइडियाज निकालें कि जो लटके अटके भटके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए क्या करें, स्लम ड्वेलर्स में जो आशंकाएं रहती हैं उसमें से कोई सोल्यूशन निकल सकते हैं. अब रेरा ने कहा 2 साल का रेंट आप एडवांस में दोगे, मैं समझता हूँ ये सोल्यूशन से स्मार्टर सोल्यूशन आ सकते हैं. यहाँ फाइनेंस के लोग भी होंगे शायद, हम क्या रिवॉल्विंग फंड बना सकते हैं एज एन इंडस्ट्री ग्रुप जो गारंटी करे कि अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो इस फंड में से हम उसको पैसा देंगे और फिर वो प्रोजेक्ट ये फंड टेक ओवर करके आगे डेवलप जल्दी करे. नहीं तो लोग मेरे क्षेत्र में भी 8-8 साल से बेघर है, रेंट भी नहीं मिल रहे, सो कॉल्ड बिल्डर, अच्छे बिल्डर्स आज कहां भाग गए, मिलते ही नहीं है. तो ऐसी चीजों से अपनी इंडस्ट्री की बदनामी होती है. बिल्कुल, अगर हम मिलके काम करें तो अवश्य अच्छे स्मार्ट सॉल्यूशंस आ सकते हैं जो आपके क्षेत्र, आपके सेक्टर को भी अच्छे होंगे और देशित और जनहित में भी होंगे. बिल्कुल, एक मिनट लूंगा क्योंकि गोपाल जी ने GST की बात की. ये मैं थोड़े समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था, ये उस समय की कहानी है. तब 2 पर्याय थे गोपाल जी, 12% GST विद इनपुट क्रेडिट और 5% GST विद नो क्रेडिट. ये सरकार का प्रस्ताव नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं, ये आप ही के इंडस्ट्री क्रेडाई हो और क्या क्या संस्था है, डायरेक्ट को हो, सब आपकी संस्थाओं ने सरकार पर बार बार ये इशू उठाया 12% उपभोक्ता गरीब छोटा खरीदार पे सरकार 12% GST लेती है. अब ये नहीं बताया कि उसमें से 7% तो आप इनपुट क्रेडिट नहीं लेते, पता नहीं पास ऑन करते थे कि नहीं करते थे, मुझे नहीं मालूम, मैं आप पे टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह आपका प्रस्ताव था कि 5% करो. और मैंने जितने लोग आए थे नॉर्थ ब्लॉक में आए थे उन सबको उस समय के रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ बिठाया था. मैंने कहा जो आप लोग फैसला करो, इंडस्ट्री को 100% छूट दी थी और ये रिकॉर्ड पे CNBC जरा जनता को बता दे, क्योंकि ये बार बार ये विषय हमारे ऊपर इंडस्ट्री रेज करती है जो फेयर नहीं है. सच्चाई अनुज जी आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ये आपकी इंडस्ट्री के नेता, उस समय के नेता ने मिलके नॉर्थ ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस रूम खोल के उनको दिया गया था, आप मिलके सहमति बनाओ, जो आप तय करोगे 12 विद इनपुट क्रेडिट 5 विद नो क्रेडिट, जो आप तय करोगे जुलाई शायद 18 या 20-21 तारीख को GST काउंसिल था, ये बात उसके हफ्ते 10 दिन पहले की है, जो आप कहोगे सरकार उसके साथ जाएगी. सब ने मिलके ये तय किया कि हमें 5% कर दीजिए. तभी मार्केट डाउन थी, सेल्स कम थे, वो चाहते थे कि उपभोक्ता को ये मैसेज जाए कि GST घटी है 12 से 5%. शायद उस समय एक डर ये भी था कि आपके सेक्टर में जो टाइप के काम होते थे जिसका अभी उल्लेख गोपाल जी ने भी किया, मुझे नहीं मालूम था आज भी चल रहे हैं सब, बट मुझे लगता था वो सब बंद हो गया, पर थोड़ा और मुझे डिटेल्स दे दो तो हम उसको भी रोक देंगे.
पर आप लोग शायद नहीं चाहते थे कि जीएसटी अफसर आपके दफ्तरों में दिन रात बैठे रहे और आपके किताब देखते रहे, इनपुट क्रेडिट ज्यादा लिया, कम लिया, सही लिया, टैक्स पे हुआ नहीं हुआ, ये सब मद्देनजर रखते आपके क्षेत्र ने कहा 5% करो, बिल्कुल, और नेट नेट आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपने जो इनपुट लेते थे क्रेडिट, वो उसके बदले अब 5% जो जितना नेट उस समय भी था, सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको भी कोई नुकसान, पर ये उस समय आपका ही डिमांड था। अगर इसमें बदलाव करना है तो उसके लिए आपको सरकार से बात करनी पड़ेगी। पर पर्सनली मुझे पूछो एज ए वेल विशर ऑफ योर इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है आपके हित में निर्णय हुआ, जो आपके लोगों ने ही किया सरकार ने सिर्फ फैसिलिटेट किया। बिल्कुल, बहुत ही पैशनेट आपने बोला पीयूष जी, थैंक यू सो मच, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मिनिस्टर प्लीज। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards 14 years of excellence. Time pe kha lena aur please bike dheere chalana. Ji. Aur ye tumhari safety ke liye. Are, ek baat to reh gayi. LIC. Ye hamari safety ke liye. Dil ki suno. LIC chuno. LIC, har pal aapke saath. The beauty of Mother Nature is cherished by one and all. Yesterday, today, and tomorrow. Here, there, and everywhere. To preserve this beauty, collective efforts are required to reduce carbon emissions. We are contributing our bit by changing the way we make steel. Kalyani Foresta, steel for a greener planet. As a leader, you need to look at the big picture. Oh, I do, boss. Every day. The XUV700, fully loaded AX7 at a celebratory price of rupees 19.49 lakh. Dadu bol rahe hai Sam ko options bro. Ye banayega options trading mein pro. Hai na Dadu? Sam ko options trading mein banayega pro. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Rajnigandha Wires and Cables, connecting people to power. अरे बाबा, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पूरा कवर नहीं करता। सिरिंज, कॉटन पट्टी, इन सब का पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। सर्किट, ये तो ऐसा हुआ कि शर्ट खरीदा, बटन का पैसा अलग, जूता खरीदा, लेस का पैसा अलग, गाड़ी खरीदा, स्टीयरिंग व्हील का पैसा अलग। हेलो, हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा ही होता है। काश इसे किसी ने बताया होता कि हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया बदल गई है। इंट्रोड्यूसिंग एको हेल्थ इंश्योरेंस, जो देता है 100% बिल पेमेंट, नो डिडक्शंस। हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards 14 years of excellence. आज का जो सब्जेक्ट है वो है रिवाइविंग अप रियल एस्टेट, इंडियाज अल्टीमेट ग्रोथ ड्राइवर। तो किससे शुरू करूं मैं? भवन साहब, आपसे ही शुरू करता हूं, आप नीचे चले गए। मैं जब ये नाम दोबारा पढ़ रहा था आज यहां पर आने से पहले, तो मुझे लगा अब रिवाइव क्या करना है, और कितना रिवाइव करेंगे, हो तो क्या रिवाइव। आपकी बात 100% सही है विपिन जी, और जैसे आपने देखा है लास्ट 3 सालों में काफी रिवाइव, तो छोड़िए, काफी रेसी हो गया है रियल एस्टेट। और इसकी एक रीजन है कि जितने डेवलपर्स थे या जितने अच्छे डेवलपर्स थे, उन्होंने कोविड के पीरियड में अपनी प्रोसेसेस या सिस्टम्स पे काफी मेहनत की, अच्छी रोबस्ट कंपनी बनाई। जैसे मैं पढ़ रहा था, सब कस्टमर फोकस हो गए हैं, एवरीबॉडी हैज टर्न टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट की टेक केयर करते हैं, डेटा ड्रिवन हो गए हैं। सब ये जानते हैं कि इफ यू गो अहेड विद द ओनली फीलिंग कि हमारी ये फीलिंग है तो वी विल नेवर सक्सीड, तो ये सारी चीजें उन्होंने की। उससे आगे मैं ये भी कहना चाहूंगा, स्पेशली फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना थ्रस्ट दिया है, इतना जोरदार थ्रस्ट दिया है कि आप मुंबई MMR की जो एरिया देखें, तो आपने इतने सारे इनिशिएटिव जो लास्ट आई थिंक 50 साल में ना देखे होंगे, वो लास्ट 5-6 साल में देख लिए। और एक कहावत है, जहां पे वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर गोज प्रॉस्पेरिटी ग्रोज, तो मुंबई MMR वॉज लैकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी एक बड़ी बूस्ट आ गई। और रही बात कस्टमर्स की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया हैज बिल्ट इट्स वेल्थ, इंडियंस हैव बिल्ट देयर वेल्थ। 60% सर
on real estate and gold, rather largely real estate in that. Indians prefer an asset which is they can touch, feel, enjoy, and that asset is only one, which is real estate. And sir, honestly, thank you to you. RERA ke aane se, aur jis tarah se aapne first position sambhali, it has become easy for a customer or for someone who's even looking at investments to look at real estate very, very happily. Aur iski wajah se today it has become, and the next big wave will come, when we make real estate investment so simple ki log aapke office mein aaye, unko ghar pasand ho ya aapki cheez pasand ho, to literally a credit card nikale, usko swipe kare, registration wahan ke wahan ho jaye, which is already happening in certain offices, registration wahan ke wahan ho jaye aur usko uske bataye time pe usko uska ghar mil jaye. The day we as real estate developers take care of this, aap likh lo, we'll become the number one investment ability or number one investment asset for across all asset classes. Chaliye, aapka josh bata raha hai ki revival aa gaya hai. So that's fine, kyunki aapne infrastructure ki baat kari, halanki ye infrastructure ka mamla to pure desh ka hai. मुंबई का क्योंकि जिक्र आया तो मैं कर देता हूं. रमाना साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो रमाना साहब आपने जो गड्ढे खोदे यहां पर मेट्रो के लिए और खासतौर पे जो साउथ बॉम्बे में अंडरग्राउंड मेट्रो आपने बनाई और हमारी जिंदगी नरक कर दी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि जो मेट्रो का जाल इस शहर में बिछ गया, आई थिंक 70 किलोमीटर का हमारा लोकल का ट्रैक है और 700 किलोमीटर कुछ मेट्रो हो चुकी है, जिसमें अभी अंडरग्राउंड मेट्रो भी जब एक्टिव हो जाएगी तो जुड़ेगी. हाउ डिफिकल्ट इट इज, और इससे हमारी लाइफ में एक्चुअल अब कितना बदलाव आएगा? अभी मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन कितनी बदलेगी हमारी लाइफ? बट वी आर होपफुल दैट द मेट्रो लाइन 3 व्हिच इज गोइंग टू नरीमन पॉइंट, कफ पैरेड एंड वेरियस अदर बिजनेस सेंटर्स विल ब्रिंग ए मेजर रिवाइवल बोथ इन कमर्शियल ऑफिस स्पेस एज वेल एज रेजिडेंशियल स्पेसेस ऑल्सो, एंड ऑल्सो गिव ए बूस्ट टू द redevelopment opportunities. Lot of projects are stuck, lot of projects are still in discussion for decades. Mm-hmm. All of them will come proximity to the Metro Line 3 and then they will all reap benefits. Not only that, recently government has come up with the TOD policy, transfer of development rights, in the vicinity of Metro Line 3. Right now it is for Line 3, but it will expand to the rest of the lines also. That would give an opportunity for further densification, because the benefits of any public transport like metro cannot be reaped unless certain level of density is there around the stations, whereby people will stop using their cars and start taking the comfortable metro line. So our aim is towards that. As infrastructure developing agency, as well as also we are doing lot of regulation all along our metro alignment, so we are trying to facilitate all the developments and also induce lot of opportunities. So Ramana sahab, हाँ मतलब practical aspect वही है, बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, हालांकि बहुत late हुआ है मुंबई में, और एक साथ इतना काम करने से हमारी life भी बड़ी screwed सी हो जाती है, लेकिन विपुल सर बैठे हैं यहाँ पे जो दिल्ली से आए हैं. Thank you first of all विपुल सर, कि आप come all the way from Delhi to join the event. दिल्ली में ये काम काफी पहले हो गया और अब उसके बेनिफिट्स दिल्ली को मिल रहे हैं. मतलब हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, हैदराबाद एक हद तक थोड़ा बेहतर है, लेकिन ज्यादातर बड़े सिटीज जो हैं वो पॉपुलेशन, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबके तले थोड़े दब गए हैं, और आपको बहुत हाई टाइम है कि इसके ऊपर आपको काम करना है, बिकॉज रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड टू हैंड है. दिल्ली में ये काम काफी पहले हुआ, क्या उसके बेनिफिट्स रियल स्टेट को वहां मिल रहे हैं आज? देखिए, दिल्ली में इट्स नॉट दिल्ली, there are about 3 state governments involved. NCR. So I would say from an infrastructure perspective, the area which actually it was ahead of time was Noida, though Noida is also known for probably the worst example for real estate. But that is also because the way the land was distributed and the land was bought and so on and so forth. But Delhi, if you say Gurgaon, with due respects, I think Gurgaon has always lacked infrastructure. It is only now with private sector help ki private ke infrastructure better ho gaya hai. Jo aap underpasses aur wo sab dekh rahe hain, usme there is a big involvement of private sector. And what the private sector has done is that they have taken that we will actually adopt some of the infrastructure aspects, because infrastructure agar better hoga, to jaise Boma ne bola, infrastructure aayega to prosperity aayegi, kind of a situation.
the good thing that has happened, barring maybe two or three cities, infrastructure has always lagged on development. This city is an example, Bangalore you mentioned, even Hyderabad, Chennai. Having said that, I think across the country, jo roads pe kaam hua hai, aur jo metro pe kaam hua hai, uska jo impact hai, this city is seeing it now. But there is so much predictability for the first time in India on infrastructure, ki actually a lot of real estate players can predict with fair bit of accuracy ki ye road kab aane wali aur ye metro kab start hone wala hai aur ye bridge kab banne wala hai, and that is what is the key of development. Right, so Sanjay sir, aap to in Tata, you are pan India, to jab aap kahin project lagane ka shuru karte hain ya sochte hain, to what is the first criteria, infrastructure ya kuch aur? रियल एस्टेट हमेशा एक कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है, तो पहले कस्टमर का कहाँ पे जॉब है, कहाँ पे रहन सहन है, कहाँ पे खाना पीना है, कहाँ पे स्कूल हॉस्पिटल पेरेंट्स, उसके हिसाब से लोकेशन तय करी जाती है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जब से मेट्रो हाईवेज स्टेट नेशनल हाईवेज बने हैं, तब से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भी लैंड सिलेक्शन में ऐड हो गया है. तो ये सब फिर उसके बाद में, क्योंकि हम डेवलपर्स हैं, हमें फिजिबिलिटी और वायबिलिटी देखनी पड़ती है, तो कहाँ पे हमको ज्यादा पैसा मिलेगा हम वो करते हैं. मेरा मानना है, विच विल बी स्लाइटली कॉन्ट्रोडिक्टरी बोमन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जिस सिटी में जितना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस सिटी में उतनी ज्यादा वैल्यू होती है. उतनी ज्यादा वैल्यू होती है, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है. और उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप गोल्फ रोड में रहते हैं, आपके वहां पे मेट्रो भी है, अंडरपास भी है, तो आप वहां, और वहां पे अगर आप गोल्फ भी खेलते हैं, तो आप वहां पे 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट देके वहां पे फ्लैट लेते हैं. लेकिन उससे अगर आप 4 किलोमीटर आसपास एक्सटेंशन रोड पे आते हैं गुड़गांव में, तो वहां पे दाम 16,000 रुपए हो जाता है. तो इतना बड़ा परिवर्तन, यही आप बॉम्बे में देखेंगे, तो क्योंकि अब दूर रहना मतलब 2-3 घंटा ट्रेन में और हाईवे में अगर आप लेके आते हैं तो वो तो बहुत भारी पड़ता है, आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है. तो लोग 50,000 1-1 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट देके साउथ बॉम्बे में और सेंट्रल बॉम्बे में रहना पसंद करते हैं. तो दिस इज द आयरनी. बट मेरा मानना है कि क्योंकि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे हिंटरलैंड, अतुल सेतु बॉम्बे का एग्जाम्पल लेके चलें, तो अब नवी मुंबई पे और नवी मुंबई का एयरपोर्ट पे वहां पे भी जो दाम है वो प्रोस्पेरिटी होगी और वहां भी बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं. तो ये एक मेरा एंगल था. राइट, तो 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट वाला घर काबरा साहब खरीदते हैं हमारे यहाँ इस पैनल पे, मतलब बाकी सब भी यार कैपेबल ऑफ, लेकिन सर के पास बहुत पैसे. तो जो संजय जी बात बोल रहे हैं, तो देखिए एक लेवल पे तो बात ठीक है कि जो इनकन्वीनियंस होती है वो दाम को बढ़ा देती है, लेकिन वही कोशिश हो रही है कि आप सिटीज को थोड़ा लिवेबल बनाएं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें और तमाम चीजें करें. लेकिन स्टिल रियल एस्टेट थोड़ा अलग चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चल रहा है. मैं अभी बाकी लोगों से भी, बाकी पैनलिस्ट से भी पूछूंगा, राजन जी की भी उस पर लाइव रहूंगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कि इंफ्रा तो जरूरी है, लाइफ लाइन है, लेकिन क्या खाली रोड मेट्रो इंफ्रा चाहिए कि और भी कुछ इंफ्रा चाहिए, उस पर ध्यान देना है. आज बिल्डिंग के बिल्डिंग बन रहे, लोग के लोग रह रहे, स्कूल है बिग क्वेश्चन मार्क, पब्लिक स्विमिंग पूल है बिग क्वेश्चन मार्क, ये ऐसी लिवेबल की बात करते हैं. और इंफ्रा जो बन रहे, जो मेट्रो स्टेशन बन रही है, क्या उसमें बाकी सब काम भी सही हुए? जैसे लोग गाड़ी लेके आएंगे, क्या गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था है, क्या टू व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था है? चीजें हो रही है लेकिन आज को देख के हो रही है, चीजें 50 साल को देख के आज भी कुछ नहीं हो रहा है, स्पष्ट बोलता हूं मैं. और क्यों जो नई नई बिल्डिंगें बन रही है उसके बायरस को हम चेंज कर रहे हैं? आज भी मैं हमेशा बोलता हूं कि कनाट प्लेस में पार्किंग की नहीं थी, क्यों? कनाट प्लेस 100 साल पहले बना. गुड़गांव तो हमारे देखते बना 20 साल पहले बना. न्यू बॉम्बे हमारे देखते थे बना. वाई इन न्यू बॉम्बे और गुड़गांव में लोग रोड पर गाड़ी खड़ी पार्क करते हैं? वाई डोंट यू प्रोवाइड सफिशियंट पार्किंग इन साइड द कैंपस? तो वो कमाया कोई, रहता कोई, और फिर हर जगह हर जाना गवर्नमेंट भरती है और गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है. तो ये सब चीजें ऐसी, हर चीज लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा. लिवेबल के लिए आज अब 1 लाख का भाव बोलते हैं, वर्ली में 1-1.25 लाख का भाव है, पर वहां बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? जाना पड़ता है बीकेसी या बाहर या उससे और आगे. तो क्या करेंगे आप? सी अल्टीमेटली हमारे बच्चों को लिवेबल, सिंगापुर है या दुबई है इस टाइप का, बॉम्बे इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया,
बॉम्बे इज बिग इग्नोर, अभी यशोभूमि वहां बनी, सब वहां बना, बॉम्बे में क्या बना? आज हर चीज के लिए हमको वहां जाना पड़ता है। तो बॉम्बे को अगर वाकई में बॉम्बे का सस्टेनेबल मॉडल बनाना है, तो हर चीज तो गुजरात चली जाती है, गिफ्ट सिटी गुजरात चला गया, डायमंड बाजार गुजरात चला गया, फिल्म इंडस्ट्री नोएडा जा रही है, तो बम्बई तो क्या है, वो एक नाम का हो गया, 1.25 लाख का भाव या 1.5 लाख या 1 लाख का भाव, लोग तो बोलते हैं लोढ़ाने कोई 2 लाख में बेचा, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ये सारी वास्तविक जरूरत है। लेट बॉम्बे मेक ए लिवेबल, बॉम्बे इज अ बेंचमार्क, बॉम्बे इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंट्री, फोकस ऑन बॉम्बे सर। नहीं चलिए ठीक है, ये इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू गोपाल भाई, ही ऑलवेज सेज इट लाइक इट इज राइट। अब प्रदीप जी बैठे हैं हमारे यहाँ, वैसे वो अफोर्डेबल में भी लग्जरी बना रहे हो, लग्जरी तो बना ही रहे, उनसे भी बात करेंगे आगे। राजन साहब, तो थोड़ा बॉम्बे तो एक पर्सपेक्टिव है, देखिए बॉम्बे ना अपने आप में एक बिल्कुल निराली जगह है, तो उसकी तुलना तो रेस्ट ऑफ द इंडिया से हम नहीं करते, लेकिन चूंकि आप क्रेडाई को, आप नरेडको को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर रेस्ट ऑफ इंडिया हम देखें तो रियल स्टेट अब ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है जहां पर एक उसे बायर वाली बात नहीं होगी कि मुझे अपना घर चाहिए और एक मैं घर ले लूं, जो हम कह रहे हैं ग्रोथ ड्राइवर वाली बात, वो भी बातें ठीक है कि इतनी इंडस्ट्री को रोजगार देता है, वो सब भी ठीक है, लेकिन एक देश बन रहा है, धरती के ऊपर आप लोग मकान खड़े कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उस लिहाज से अब बियॉन्ड जस्ट सेल्स नंबर्स, या संजय जी कह रहे थे कि हम जहां बेचते हैं हमारा तो वहां देखते हैं कि कहां पे बिकेगा घर, लेकिन बियॉन्ड दैट हम क्या कर रहे हैं रियल स्टेट के साथ? सर सबसे पहले शुक्रिया हमको पैनल पे बुलाने के लिए। सर मैं भी थोड़ा जैसे काबरा जी बोले, वैसे मेरा भी थिंकिंग अलग है। अनफॉर्चुनेटली अपन जो सिटी डेवलप्ड है ना, उसके इर्द गिर्द ही सिटी बस रही है, जो एक्चुअली सच में गलत है। अब के आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, वैसे सोचने की जरूरत है। अगर आप एब्रॉड जाओ, एब्रॉड में आपको एक सिटी से दूसरे सिटी का जो अंतर है, तो आज आपको एक जगह पर, हालांकि अपने इन्होंने माड़ा बोलो, MMRDA बोलो या सिडको बोलो, इन्होंने ट्राई किया कि एक जगह कर, आज ये अथॉरिटी ने 5,000-1,000 एकड़ जमीन लेकर वहां पर टोटल, मतलब जो स्मार्ट सिटी, मतलब मोदी जी ने जो बोला 100 स्मार्ट सिटी, उन्होंने एक्चुअल स्मार्ट सिटी नहीं बनाई, जो सिटी थी उसमें ही थोड़ा बहुत स्मार्टनेस, जैसे बोलते हैं ना स्मार्टफोन आ गया, वैसे जोड़ दिया। हालांकि हकीकत में ये करना चाहिए, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो ही क्या होगा कि ये जितने सिटी कंजेस्टेड हो रहे आज, हालांकि मेरे मित्र ने बोला कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है वहां पे, मैं इनसे सहमत नहीं हूं, मैं भवन से सहमत हूं, क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि दोनों डेवलपर है, हालांकि ये भी डेवलपर है लेकिन ये कमर्शियल ज्यादा करते हैं, हम दोनों रेसिडेंशियल करते, तो हमको रेसिडेंशियल का दर्द पता है। तो जब बॉम्बे पूना होने के पहले अगर आप देखो, पूना जाना है तो आपको कितने ही बार 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे, 9 घंटे अभी लगे पिछले हफ्ते। सर वो तो आपकी बदकिस्मती है, वरना 2 घंटे में और 2.25 घंटे में लोग आ जाते, ये हालत है आज। वो एकाध इंसिडेंट छोड़ो, बारिश हो रही थी उसे। हाँ वो अलग बात है, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर 100% की, बट डेवलपिंग एंड थिंकिंग अबाउट अ रियल न्यू सिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, दैट्स गोइंग टू बी द की फॉर द डेवलप्ड इंडिया। सुपर्णा मैम, क्योंकि यू बीइंग एन आर्किटेक्ट, तो हमारे लिए क्या जरूरत है, हम जस्ट रियल स्टेट करते चले जाएं, मकान बनाते चले जाएं, या फिर जो अभी इन्होंने कहा कि आपको वहां पे थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो डेवलपर को भी सोचना पड़ेगा, मतलब इट्स नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट, इट्स अप टू द डेवलपर एज वेल। I agree. In fact, पवन सर ने मुंह उधर कर लिया मेरी बात पर। No, I think you know, when you are talking about new cities, like look at Indonesia, they've just tried to put up a new capital, a brand new capital. In fact, they had this grand inauguration. But humne kiya hai. Chandigarh was a brand new city, you know, which was made. And in fact, uska motto ye tha that it should be unshackled from the past. But I think hamara problem ye hai ki hum jab brand new soch rahe hain, hum usko Indian identity ke bina soch rahe hain. हम ये सोच रहे हैं कि हम सिंगापुर बनाएं, या हम जकार्ता बनाएं, या हम यू नो व्हाटएवर बनाएं, बट हम ये नहीं सोचे कि इंडिया की आइडेंटिटी को लेकर ब्रांड न्यू क्या मतलब होता है। वो अभी तक ये सॉर्ट ऑफ साइके में आया नहीं कि व्हाट इज द न्यू इंडियन। उसकी एस्पिरेशन तो हम सब समझ रहे हैं कि उसको घर चाहिए, उसको जॉब चाहिए। इनफैक्ट मोबिलिटी, आई थिंक, एंड आई एम सॉरी आई एम ऑन दिस टीम, यू नो दैट मोबिलिटी प्लेज अ वाइटल रोल
in any building of any city. But it's not just mobility, it is also aspiration. And hum wo usko identify kar hi nahi pa rahe, hum soch rahe hain ki usko bas chhat chahiye kyunki hum still 1960 mein phase hain ke roti kapda makan. Nahin, the new Indian is different. वो उसको रोटी कपड़ा मकान के वो स्मार्टफोन के आगे पहुंच चुका है, वो एआई पे आ गया है, यू नो. तो उसको क्या चाहिए? एंड आई थिंक डिजाइन को ये एस्पेक्ट कवर करना जरूरी है. बिसाइड्स आई मीन द स्टैंडर्ड, यू नो, लाइक क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी, वी अंडरस्टैंड दैट. थोड़ा फोकस वापस से रियल स्टेट पे शिफ्ट करते हैं. तो रिसेंटली आई थिंक ऑल ऑफ यू नो जेएलएल का ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आया एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. And I think इस पे तालियां बजनी चाहिए कि इंडिया अब सेमी ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंट हो गया है इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट. मतलब हमारी प्रैक्टिसेस बेहतर हो गए एंड थैंक्स टू गौतम सर, क्योंकि उसमें जो एक वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है उसमें रेगुलेशंस हैं और रेरा उसके लिए. तो गौतम सर के लिए भी एक बार ढेर सारी तालियां. देश में रेरा का जो उद्भव है, हम मानते हैं कि महारेरा को सब फॉलो करते हैं, गौतम सर ने उसको खड़ा किया. तो बमन साहब इस पे अगेन, अब हम सेमी ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि अब बाहर से बहुत सारे फंड्स इंडिया में फ्लो करेंगे, वो इस रिपोर्ट्स को देखते हैं और ऐसी चीजों को करते हैं. हुआ क्या हमारे यहाँ, क्या चेंज हुआ है? देखिए, पहले तो जस्ट वेरी क्विकली, रिवाइव जो हो रहा है ना वो काफी जोर से हो रहा है. आज आपको मैं दो तीन आने वाले प्रॉब्लम बता देता हूं अभी से. एक तो लेबर की शॉर्टेज बहुत होने वाली है. वी बेटर मूव टुवर्ड्स मैकेनाइजेशन या तो फिर लेबर ट्रेनिंग, जो आई थिंक वी कैरी आउट ऑन ऑल आर साइट्स नाउडेज. बट इसमें भी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जोर रहना चाहिए. और जितना हम लेबर सेस जमा करते हैं उसका पैसा शुड गेट यूटिलाइज्ड अगेन फॉर टू थिंग्स. मुंबई में आप इनको एक हाउसिंग दो जो हमारे घर बनाते हैं, आई एम सॉरी टू से, आप लोग जाके उनके घर देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आएगा. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द पर्सन जो हमारे घर बनाते हैं. और उनके लिए आप कॉलोनीज बनाओ जहां से वी कैन, आप दुबई जाते हो, यू नेवर सी दीज पीपल. उनको जाके बसेस उठा के लेके आते हैं, दे वर्क ऑल डे, दे गो बैक, घर है उनका एक अच्छा सा. सो दैट इज नंबर वन, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. नंबर टू, जो एक बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है, और जो दिल्ली से मेरे फ्रेंड्स हैं, एनसीआर रीजन से हैं, वो बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर हमने भाग नहीं की, मीन्स वी डोंट रन टूवर्ड्स इट राइट नाउ, आप सब लिख के ले लो, द गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव अ वेरी क्विक, आई लाइक टू कॉल इट अ नी जर्क, बट देर इज नो अदर वे दे कैन डू इट, अ नी जर्क रिएक्शन. जिससे एक दिन आएगा, वो एक दिन बोल देंगे कि कल से, फ्रॉम टुमारो आपको ये सारी चीजें करनी है, देन अगेन डेवलपर स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग अराउंड. फॉरगेट फॉरेन फंड्स, देर इज प्लेंटी ऑफ मनी. वॉट वन नीड्स टू डू एज अ गुड डेवलपर इज वर्क टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनेगा, एंड गोपाल जी मैं आपको एक जवाब देता हूं, Everything I cannot look at the government. तो आपने स्विमिंग पूल्स की बात की, आप देखेंगे तो responsible good developers are providing large size pools in every complex. आप देखेंगे तो gated communities are providing walking tracks for seniors and for play areas for young children. तो ये सारी चीजें क्या है, available है, how a developer uses it and what he creates. ब्रेकफास्ट में क्या खाया सर, you are full on fire. खैर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया उसमें, सस्टेनेबिलिटी भी एक पॉइंट है. चूंकि मैंने बात की थी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट और फॉरेन फंड्स की, तो विपुल साहब आप बैठे, अभी रियल स्टेट में एक समय बात होती थी कि पैसा नहीं है, लिक्विडिटी की कमी है, इज द प्रॉब्लम सॉल्व नाउ, अब सब ठीक है, या अभी हमें फॉरेन फंड्स चाहिए? देखिए, जो स्टॉक मार्केट है उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. आज स्टॉक मार्केट में वो ये बोलते हैं कि जो एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट था और जो उनके ऊपर रिलायंस थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज बिकम वेरी बिग. सेम चीज रियल एस्टेट में हो रही है. आज सब लोग एसआईपी की बात करते हैं कि 20 से 22,000 करोड़ रुपए महीने का एसआईपी आ रहा है. आपको पता है रियल एस्टेट में हर महीने कितना पैसा खर्च हो रहा है? करीब 60 से 70 हजार रुपए हजार करोड़ पर मंथ इज गोइंग फ्रॉम द रिटेल बायर इन रियल एस्टेट. दैट इज 3 times वॉट इज कमिटेड मनी टू एसआईपी इक्विटी मार्केट. Now, as Baman mentioned, that guy has not been properly taking care. देखिए, आज market cycle के हिसाब से चलता है. Today cycle is good. Now, वो obviously everybody will debate cycle 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, वो issue नहीं है. Issue ये है, it is not only कि जो worker जो आपका घर बना है उसको घर क्या देंगे. I think the bigger issue in the cities today is कि जो middle class आदमी है, who is earning between 50,000 rupees to 1 lakh rupees a month.
जो एक पोस्ट ग्रेजुएट है वो काम कर रहा है, उसकी बीवी काम कर रही है, एंड दे आर बोथ मेकिंग अ ऑनेस्ट लिविंग विच इज प्रॉबली 90% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एवरीबडी सिटिंग हियर. इट इज वेरी इजी टू सिट ऑन द डायस एंड टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ मनी, फॉरेन फंड, सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जब मेरे पास रेंट, सी पोस्ट कोविड अबाउट $15 trillion हैव बीन प्रिंटेड बाई डिफरेंट इकोनॉमीज. एसेट इन्फ्लेशन दुनिया में हुआ है, सिर्फ रियल एस्टेट प्राइस इंडिया में नहीं भरी है, दुनिया में इन रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ी हैं. एसेट इन्फ्लेशन हैज बीन सिग्निफिकेंटली मोर देन वेज इन्फ्लेशन. इनकम कम लेवल पे बढ़ी है, एसेट की प्राइस ज्यादा बढ़ी है. तो सिंपल बात क्या है, जो पहले जिसके पास ओनरशिप था कि मेरे पिताजी ने मुझे घर दे दिया, मेरा खानदान था या उन्होंने ये हो गया, तो मेरी वैल्यू बढ़ गई. अगर मैं यंग हूं और मैं इनकम के हिसाब से अपना घर खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, टुडे आई एम प्राइस्ड आउट. नाउ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इज टू इंक्रीज सप्लाई. इट इज नॉट टू टेल द डेवलपर कि आप प्राइस कम करो, यू हैव टू इंक्रीज सप्लाई, एंड टू इंक्रीज सप्लाई आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर. राजन साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय हमारा रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया बात है, लेकिन अगर उसे हम नंबर वाइज देखें तो जिस अफोर्डेबल सेगमेंट की हम बात करते थे कुछ 3-4 साल पहले या 5 साल पहले बड़ा उभर के आया था, वो थोड़ा पीछे निकल गया. कहीं सारा लग्जरी और इस तरह की चीजें बिक रही, विच इज नॉट बैड, जिसको जो खरीदना है वो खरीदेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी वो है जिसको 50-30 लाख का घर चाहिए. मैं अकेले बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए सप्लाई है नहीं है? विपुल सर थोड़ा और बताएंगे उस पर, लेकिन पहले आपका जवाब. सर इट्स बैड, आप बोलते हैं ना नॉट बैड, नहीं इट्स बैड. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज अगर 100 लोग मकान खरीद रहे हैं ना, 70 के ऊपर लोग हैं ना वो अफोर्डेबल मकान ही चाहते हैं आज. आप समझो, अगर ये लोग अफोर्डेबल में नहीं रह सकते एंड पोस्ट कोरोना रेंट्स वगैरह इतना बढ़ गए हैं ना, इट इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल. आज आप बोलते हो कि अभी एग्जाम्पल, हालांकि ये हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है इसलिए इसके बारे में ज्यादा बहस करना बेकार है, स्लम के बारे में सब 1995 में स्लम आया था तब बोले थे कि 20 साल में बंबई स्लम फ्री हो जाएगी. मेरे को लगता है कितनी गुना बढ़ गई है इतने लोगों को रिहाउस करने के बाद. सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सरकार. आज सबसे बड़ी हमारी जो पार्टनर है ना वो सरकार है. सर आज अगर आप सोचो, आप किसी भी, ये बमन जी ने बोला अभी कि बाजू के बिल्डिंग को 25-50% दाम ज्यादा मिलता है, एक आध बिल्डिंग को मिलता होगा लेकिन 5-10% के ऊपर किसी को नहीं मिलता है, बारिंग 1-2 ब्रांड्स छोड़ेंगे तो ओवरऑल, क्योंकि आज सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि कस्टमर, थैंक्स टू वंस अगेन रेरा एंड सोशल मीडिया, इतना इंटेलिजेंट हुआ है कि वो जाकर वो मकान खरीदने के पहले हर एक जगह पर चेक देके आता है, इनकैश वहां पे करता है जहां उसको बेस्ट प्राइस मिलती है. आप समझो, एंड ही इज राइट, आई एम नॉट टेलिंग ही इज रॉन्ग, बिकॉज व्हाई ही शुड सी प्रीवियस डेज क्या था. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू, वन मोर थिंग, कि आज ये डिमोनेटाइजेशन बोलो, रेरा बोलो, और ये जितना भी फंडिंग आ गया थैंक्स टू विपुल एंड दिस टीम, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम ओल्डन डेज हमको बैंक, हमको तो छोड़ो मकान लेने वाले को लोन नहीं देते थे, डेवलपर को तो बहुत लंबे की बात है. और आज क्या हो गया कि ये लोग आने से हमको सिस्टम्स में आना ही पड़ रहा है, हम कुछ गलत चाह कर भी हम नहीं कर सकते हो, रेरा बोलो, बैंकिंग बोलो, सोशल मीडिया बोलो, कस्टमर भी इतना एक्टिव हो गया है कि वो हर, हम लोग जो फोटोज हमने अपलोड नहीं किया तो वो अपलोड करता है कि सोशल मीडिया में आपके 15 दिन से आपके साइड पे कुछ काम नहीं हुआ है, ये हालत है. तो इसके लिए सरकार ने भी सोचना चाहिए, और डेवलपर अनफॉर्चुनेटली हर जगह पिसते जाता है, लोगों को लगता है कि सारे डेवलपर ने पैसे बनाए. आप लिस्ट निकाल कर देखो 10 साल पहले जितने डेवलपर है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डेवलपर अब बचा है. जो पहले 10 साल के पहले जितने भी आप बोल रहे थे कि पहले 25 डेवलपर है, शायद ही उसमें से 5 डेवलपर बचे होंगे, नए 15 आए. लेकिन अगर जुने लोग नहीं कंटिन्यू कर रहे तो इट्स रियली पॉइंट टू थिंक. लास्ट सवाल काबरा जी, मैं आपसे लूंगा ऑल इनकम पासिंग की, जब समय अच्छा चलता है तो सब अच्छा लगता है, वो भी रियल एस्टेट के साथ है, कुछ चीजें से आंखें मूंद जाती हैं, ऐसी कोई चीजें हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है जिससे हमारा ध्यान हट गया हो क्योंकि सब अच्छा है? देखिए आजकल तो लोग बहुत होशियार होकर ध्यान सब देते हैं, क्योंकि जो देने वाला वो भी ध्यान देने लग गया, इसलिए लेने वाले को ध्यान देने की कम जरूरत है. पहले अलग बात थी, अब वेरी रियली हैप्पी टू टेल यू, लास्ट 15 साल में जिस ढंग से, क्योंकि ये मैं हमेशा सीएनबीसी के प्लेटफॉर्म से बोलता था, बिकम ऑर्गेनाइज प्लेयर अदरवाइज ऑर्गेनाइज प्लेयर,
बिकम ए कॉर्पोरेट, अदरवाइज कॉर्पोरेट आज देखो सब आ गया, टाटा भी आ गया, बिरला भी आ गया, अडानी भी आ गया, एक का नाम नहीं है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हो गए, सारे के सारे आ गए, तो दे हैव टू ऑल वी हैव टू बिहेव लाइक ए कॉर्पोरेट। तो एक अच्छी चीज है कि समझ में आ गया कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट क्वालिटी का मतलब क्या होता है, तब धीरे धीरे अपने भी सब दोस्त लोग एक एक सब कॉर्पोरेट हो गए हैं, तो थिंग्स आर बेटर। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards 14 Years of Excellence.